हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एक दमदार व्लॉग में। आज मैं आपको ऐसी जगह घुमाने वाला हूं दुबई के अंदर, आपने भैया सोचा नहीं होगा, और मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है इस जगह के बारे में। जब इस जगह के बारे में मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो भैया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इतना शानदार व्यू हो रहा है और सामने से आपको दिखता है बुर्ज खलीफा, साथ में है पवन भी आया है, पॉल भाई आए, और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा मस्त हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, पहले मैप देख लीजिए। तो अभी हम लोग खड़े हैं भैया इस तरफ, ठीक है। तो अभी अपना सफ़र जो है ना भाई, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ से अभी अपना सफ़र स्टार्ट होगा। मैं असल में ना आपका जो सरप्राइज़ है वो ख़राब करने नहीं वाला हूँ, और हम लोग ना इसी में से कहीं, यहाँ एक फेरी है, इसमें से हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं है कि किस में जाएंगे। जो हमको लेके जाने वाले हैं वो अभी आए नहीं हैं, तो उन्हीं का वेट हो रहा है। जैसे ही वो आते हैं फिर उनके साथ हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसी मैप में से कहीं सरप्राइज़ है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो चलो भाई, आईडी वगैरह चेक हो गई है और अभी निकल चुके हैं जर्नी की, और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। सो हाय कैटरीना, हाउ आर यू? वेरी गुड, रेडी फॉर द ट्रिप? यस, ओके, लेट्स गो। तो दोस्तों ये हमको आज गाइड करने वाले हैं, पूरी जगह दिखाने वाले हैं। इनका नाम है कैटरीना और यही हमको पूरी जगह घुमाएंगे, समझाएंगे क्या क्या है। तो देखते हैं कि हम कौन से वाली में बैठते हैं, और फिर आज बड़ा मजा आने वाला भाई। तो हो चुके हैं शुरुआत सफ़र की, और अभी बैठ चुके हैं हम लोग यहाँ बोट में। आप देख सकते हैं कि भाई ये बोट है, और ये देखो भाई बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, समुद्रों के बीचों बीच हम जा रहे हैं भैया आपको दिखाने के लिए एकदम अद्भुत सी जगह दुबई के अंदर। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में, क्योंकि एक नई जगह देखने को मिलेगी और नया एडवेंचर दुबई के अंदर। इतने टाइम दुबई में रहे तो भाई इस जगह के बारे में सुना था बट कभी मौका नहीं मिला, फिर हम जब फील्ड में आए तो हमें मौका मिला ये चीज़ देखने का। तो ये देखो भाई बाहर समुद्र नज़ारा, और ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाया भाई कैटरीना जी की वजह से। देख सकते हैं कि अभी हम लोग हैं भाई यहाँ पे, और वेयर वी हैव टू रीच, और हम लोग भैया यहाँ से पहुँचने वाले हैं सीधा सीधा यूरोप। ये भाई हार्ट ऑफ यूरोप, हार्ट ऑफ यूरोप। तो एक नया एडवेंचर, यानी कि आपको बता सकते हैं कि भाई हम आपको लेके जा रहे हैं आज दुबई आइलैंड के अंदर, और इसीलिए भैया हम लोग समुंदर को चीरते हुए जा रहे हैं। भैया ये हमारी बोट है, और आपको एक मजे के बाद बताऊं, जो आप देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे आइलैंड, इसमें तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बहुत सारे आइलैंड हैं, और इसमें एक आइलैंड अपने इंडिया का भी है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और इसी बोट में हम लोग आए थे, ठीक है ना, और भी यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट होता है। तो गाइस मस्त ही चीज़ देखो, हम लोग ना बिल्कुल समुंदर के बीचों बीच है, ठीक है, चारों तरफ कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखो भाई। तो पॉल भाई अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं? तो अभी वर्ल्ड आइलैंड में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये जो प्लेस है भोको मोनाको होटल से, अच्छा पे भाई वैकेशन के लिए सही है भाई। देखो ना भाई कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, और आप ये देख लो भैया 5-स्टार होटल है। तो चलो भाई यहाँ से एंट्री करते हैं, और एंट्री करते भाई हमको मिलता है यहाँ पे, ये देखो भाई, ये देखो भाई यहाँ पे मिलती है ड्रिंक रिफ्रेश होने के लिए। हेलो, तो गाइस इस जगह की मजे की बात देखो भाई, यहाँ पे ना भैया अभी बारिश हो रही है, देख रहे हैं ऊपर लग रही है धूप बट यहाँ बारिश हो रही है। तो इस जगह की खास बात ये है कि भाई यहाँ पे ना हर आधे घंटे में बारिश होती रहती है, तो दुबई में एकदम ये बिल्कुल यूनिक जगह है भाई, देख रहे हैं बारिश हो रही है भाई। गाइस ये जगह खास क्यों है देख रहे भाई, यहाँ पे भैया चल रही है भैया पार्टी, ये देखो यार चेक करो गाइस चेक करो, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो ये है ना भाई, ये हम आए हैं आज द हार्ट ऑफ यूरो द वर्ल्ड दुबई, और ये भाई पूरा मैप है। तो हम आपको लगभग जो भी जगह हमारे को मैम बताएंगी तो हम आपको सब ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे घुमाएंगे और दिखाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं भाई ऐसा घर जहाँ पे आप घर की बालकनी में आएंगे और आपको दिखेगा ये ऐसा शानदार सा व्यू, और व्यू के साथ भाई आप यहाँ पे कर सकते हैं पार्टी, जो कि भैया चलती रहती है पार्टी, ठीक है ना। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा टूर कराता हूँ कमरे का, और जगह देखो भाई कैसे, देख रहे समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि अगर आपको लगता है ना कि भाई
आपको आराम से शांति चाहिए, आपको बहुत लोग परेशान करते हैं, तो भाई यहाँ पे भैया घर लेने का बहुत फायदा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा अपार्टमेंट का टूर करवाते हैं। आपको मैंने बाहर से तो व्यू दिखाया अपार्टमेंट का, अभी आपको थोड़ा सा अपार्टमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये देखो भाई खूबसूरत सा वॉशरूम, ठीक है, और ये देखो भाई ये है आपका लिविंग एरिया। और यहाँ से आप जब व्यू चेक करते हो ना, चाहे लिविंग एरिया से चाहे आपको थोड़ा सा बेडरूम भी दिखाते हैं, ये आपका बेडरूम है, और यहाँ से व्यू चेक करो यार, देख रहे हैं क्या गजब का व्यू आ रहा है। और यहाँ पे आपका ये बेडरूम हो गया, काफ़ी अच्छा और एकदम बढ़िया लग रहा है। और फिर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे भी आपका वॉशरूम, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका ये हो गया बाथ टब। तो काफ़ी अच्छी जगह लगी। अभी इसके बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान वगैरह की, इसका पेमेंट प्लान वगैरह क्या है और कैसे अगर आप चाहते हैं दुबई में अपने सपनों का घर तो आपको ये मिल सकता है। सो प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कैटरीना, वेलकम टू द हार्ट ऑफ यूरोप। राइट नाउ वी आर एट वन ऑफ द कोर्टेज़र होटल्स एंड वी आर गोइंग टू शो यू द किंग सूट यूनिट व्हिच इज 1150 स्क्वायर फीट एंड नाउ इट्स रेडी एंड यू कैन गेट अ रेडी यूनिट विद द हार्ट ऑफ यूरोप। सो बेसिकली कैटरीना, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ बाइंग दिस प्रॉपर्टी? Here you're buying not your regular hotel apartment where you're going to stay yourself. No, you're buying amazing investment opportunity where you're going to generate 8.3% net ROI. It's guaranteed. You're not paying any service charges. And you basically just get it once a year. You get it quarterly or you get it every month the way you wish. It's basically your new passive income model for 12 years, 8.3% ROI. Amazing. And how about the payment plan? See, we have ready units. They are ready. Basically, you pay 40% down payment with the DLD, and then at the handover, which you're gonna have, gonna be in four to 6 months, you're paying the rest 60%. Okay, दोस्तों ये थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको ये यूनिट पसंद आई, अगर आप लेना चाहते हैं, तो भैया कमेंट कर देना, फिर आपको पूरी जानकारी हम लोग कर देंगे। अपने लिए तो बहुत ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था यहाँ पे आना। और अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी और भी जगहें तो इतनी हैं, बट अपने पास क्या है ना, टाइम की कमी है। तो टाइम को माइंड में रखते हुए हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे, और जो चीज़ें छूटेंगी इन फ्यूचर उसको भी हम कवर करेंगे। ये देखो भाई क्या शानदार लग रहा है। और वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पे फिर से बोट आ गया, यानी कि पानी का जहाज आ गया है, तो उसमें और लोग भी आए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं अपना घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए वेकेशन से। तो बहुत शानदार जगह, देख रहे हैं यार क्या मस्त। गाइस वाइब चेक करो भाई, यहाँ पे वाइब चेक करो, देख रहे भाई। दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग निकल पड़े हैं स्वीडिश आइलैंड की तरफ, और इस बोट में आराम से जा रहे हैं। देखो भाई वैसे तो गर्मी हो रही है, बट जब बोट चल रही है तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। तो इस बोट में बैठ के हम सब लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं एक और जगह पे, यहाँ पे हम स्मार्ट प्ले स्टेशन में थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई इस जगह को बोलते हैं भाई स्वीडन पैलेस। देख रहे भाई समुंदर के बीचों बीच एकदम, देख लो भाई कितना हरा भरा है भाई, यकीन नहीं हो रहा भाई हम मतलब आज कहाँ घूम रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ पर भाई। देख रहे भाई बिल्कुल हरा भरा हरियाली भाई, ये जो जगह है ना ये समुंदर के बीचों बीच है। सो गाइस अभी हम लोग आए थे यहाँ पे ये स्वीडन पैलेस देखने के लिए। हाय कैटरीना, सो दिस इज स्वीडन पैलेस राइट? एंड विद बेंटले? यस। ओके तो भाई ये चेक करो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस विला पैलेस? 125 मिलियन। ओके वी कैन बाय, यू से? गाइस चेक करो भाई यार, इंटीरियर चेक करो भाई एकदम गजब, देख रहे चेक कर रहे हैं। अभी चलते हैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाते हैं। और गाइस ये बिल्कुल एक अलग ही दुनिया लग रही है भाई, ये चेक करो पैलेस यार, और आसपास का व्यू देखो भाई, एक अलग ही दुनिया, एकदम शानदार सा लग रहा भाई ये पैलेस यार। भाई ये जगह तो भाई जितनी देखो उतनी ही शानदार, और सबसे ऊपर टॉप में, और यहाँ से चेक करो भाई व्यू, चेक करो भाई क्या शानदार है यार, भाई क्या मस्त जगह लग रही है एकदम, देख रहे हैं व्यू चेक करो भाई। अभी थोड़ा शीशा वगैरह गंदा है, बट यार ये पैलेस देख के ना मज़ा आ गया भाई, भाई ऐसी भी जगह होती है यार, हमने तो पहली बार देखा। पैलेस चेक कर रहे हैं अब, क्या शानदार है यार। अभी भैया हम जाने लगे हैं घर की ओर, समुंदर को पार करते करते, और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा दिन रहा, बस थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो गई, नहीं तो बहुत दिन बहुत अच्छा था ना।
दिन बहुत अच्छा था और अच्छी ट्रिप रही, एक नई चीज जर्नी को देखने को मिली। हम गए थे उस तरफ में, उस एरिया में आपको जूम करके दिखाऊं, और आगे जाके हम ऐसी नई नई चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले। ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, मिलता है ब्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।